हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप देख सकते हैं मैं घर से निकल चुका हूँ और आज हम जाने वाले हैं शारदा नगर। और शारदा नगर काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो वहाँ पे बालाजी का काफ़ी अच्छा मंदिर है, साथ ही साथ शारदा नदी पे जो है डैम बना हुआ है काफ़ी अच्छा। तो वहीं चल रहे हैं। और ये देखिए ट्रक वाले ने कहाँ घुसा दिया। अरे अंकल जी आराम से। सो निकलते हैं फटाफट से सबको, जल्दबाजी है, मतलब पता नहीं किस बात की जल्दी है, घुसा दिया इसने रोडों के बीचों बीच। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और पहुंचते हैं, देन आपको दिखाते हैं ब्यूटी ऑफ लखीमपुर, क्योंकि हमारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही सब कुछ हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लखीमपुर, और लखीमपुर से निकल चुके हैं बाहर बाहर ही। अंदर सिटी से भी रास्ता है लेकिन उधर से नहीं गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है सरस्वती विद्या मंदिर, उसके बगल से जो रास्ता आई है उसी से हम आए हैं। और ये डायरेक्ट गई हुई है एंड सिटी के अंदर से जो है वो भीड़ भाड़ होती है अंदर, तभी हम बाहर बाहर से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। धूप अभी हल्की हल्की आपको दिखाई दे रही होगी, अभी जो है थोड़ी बदली टाइप की थी तो अभी वो नहीं है। देख सकते हैं सामने यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क 83 कुछ इसी तरीके सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं, कुछ अच्छा होगा। सो गाइस, देख सकते हैं अभी जो है जंगल वगैरह आने लगे हैं। एक अच्छी सी लोकेशन, अच्छा अच्छा दिख रहा है एकदम मस्त सा। और धूप फिर से चली गई है, छाँव छाँव आ गई है बादलों की वजह से। ये देखिए भाई साहब, वाह क्या गाड़ी निकाली है इन्होंने। लोग जिस हिसाब से जा रहे हैं, ये देखिए स्पीड लिमिट 40, कार के लिए 60 और हम जा रहे हैं 60 में। गलत बात है, 40 में जाना चाहिए। खैर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। अभी ये आगे क्या लिखा हुआ है इस पर, शारदा नगर 18 किलोमीटर, और हमको जाना है राइट। तो राइट हैंड साइड मुड़ जाते हैं और अगले 18 किलोमीटर पे हमारी मंजिल आ जाएगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये देख सकते हैं अभी शारदा नगर डैम से पहले एक छोटा सा ऐसे पुल पड़ता है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं ब्यूटी यहाँ की कितनी मस्त है। तो यहाँ से अब 3 किलोमीटर और है शारदा नगर बैराज, फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए शुरू हो जाता है यहीं से। देख सकते हैं कितना मतलब मस्त सा सीन है यहाँ का, पानी ही पानी है पूरा। और उधर डैम है, डैम पे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे पानी जो है रुका हुआ होता है एंड उस साइड काफ़ी नीचे होता है, तो ऊपर से पानी निकल रहा होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर सारी शॉप्स लगी हुई थी साइड में। अभी देखते हैं आगे कोई शॉप वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि पानी लाना भूल गया हूँ, मुझे प्यास लग रही है। तो चलते हैं, देखते हैं, सकते हैं ये कुछ पूरा सीन है यहाँ का, सिंचाई विभाग। और यहाँ पे नो पार्किंग, यानी कि गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। चलते हैं सीधे। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जैसे विजिट करने के लिए आते रहते। इधर देख सकते हैं पानी के बीच में ही सब कुछ बना हुआ है, पानी के बीच में देख सकते हैं सब, मतलब मस्त सा लगता है। ये लखीमपुर के आसपास जो लोग भी रहते हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं आए तो एक बार इधर से ज़रूर निकलिए। और भी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए, बस शारदा डैम ही नहीं है, बालाजी मंदिर है एंड कई सारे घाट वगैरह हैं। तो टाइम निकाल के आइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। शारदा सहायक पोषक नहर नाम है वो लिखा हुआ उधर। यहीं गाड़ी पार्क करेंगे हम, लास्ट टाइम भी हमने यहीं पार्क की थी, मना किया था लेकिन फिर भी हमने पार्क की थी और हम फिर से पार्क करेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड इधर देख सकते हैं सब पानी पानी है पूरा। और मौसम एक बार में अगर आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का है एंड डैम इधर साइड में है वो पूरा। अभी उधर साइड जब मैं बाइक लेके जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इधर ये नाव वगैरह की सुविधा है, यहाँ से जा सकते हैं। एंड बीच बीच में देख सकते हैं मिट्टी उभरी हुई है, ऐसा लग रहा है आइलैंड वगैरह है, मतलब अच्छा सा लग रहा है थोड़ा। ये चीज़ें किनको अच्छी लगती हैं, हम जैसे लोगों को, यहाँ आसपास में जहाँ पे ना तो कुछ हो ऐसा कुछ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। कई सारे लोगों को लगेगा कि मतलब बस एक डैम दिखाने के लिए इतनी दूर कौन जाता है, और डैम देखने में कौन सा मज़ा आ रहा है, तो क्या कहूँ मैं उस बारे में। आ रहा है बस, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं नाव में, थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आया था तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था।
हैं, नाव में बैठ चुके हैं एक बार फिर से एंड दूर दूर तक पानी ही पानी है। और इधर देख सकते हैं हमारे अंकित भैया, और आज इनको डर लग रहा है नाव में, पता नहीं क्यों। पानी देख सकते हैं, हमको ही नहीं डर लग रहा, इनको भी डर लग रहा है। हमको कोई डर नहीं लगता है, हम एक मतलब दो बार यहाँ पे मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, करीब दो या एक बार फिलहाल बैठ चुका हूँ, सेम यही जगह से बैठ कर ऐसे ही इन्हीं वादियों में घूमे फिरे हैं। बैकग्राउंड से मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं सीन कितना प्यारा है पूरा। ये देखिए पानी, इधर देख सकते हैं दूर दूर तक बस पानी, और मौसम देख सकते हैं एकदम प्यारा प्यारा सा मौसम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया था कि पानी के बीच में ऐसे मिट्टी उभरी हुई है, एकदम आइलैंड जैसा लग रहा है। तो अभी वहीं पे हूँ, देख सकते हैं वहाँ से मैं आया हुआ हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे नाव से यहाँ पे उतर चुका हूँ। ये नाव खड़ी है हमारी एंड अच्छा सा लग रहा है ऐसा, मतलब जैसे लखीमपुर साइड में ऐसे कुछ अच्छी अच्छी जगह इस टाइप की बहुत कम है, तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए अलग ही ब्यूटी है ये, मतलब हम लोगों के लिए यही सब कुछ है, पहाड़ हो गए हमारे सब यही है। तो खुशी देख सकते हैं आप, मतलब गजब की है। देखिए यहाँ पे ये आइलैंड जैसा है बिल्कुल एंड इधर भी पानी है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में बस ये मिट्टी जो है इसने अभी पकड़ बना रखी है, पानी इसको काट नहीं पाया है, तो यहाँ पे आराम से आ जा सकते हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, वापस जाते हैं, देन और सारी चीज़ें जो यहाँ की हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। So guys, अभी देख सकते हैं मैं मेन जो डैम है वहाँ पे आ चुका हूँ, और अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ यहाँ का क्या सीन है। So, देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पानी जो है आता है एंड इधर बहुत सारी गंदगी जमा हो रखी है, और वहाँ पे देख सकते हैं एकदम गोल 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 घूम रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो आप देख सकते हैं, आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। एंड इधर ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए है, लेकिन ये बंद कर रखा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी बंद था, जब ये चल रहा होगा तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। यहाँ से आप जा सकते हैं वहाँ तक, फिलहाल अभी बंद है। देख सकते हैं इधर का गंदगी वगैरह है एंड कुछ यही है डैम शारदा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर रोड के उस साइड में आपको जाके दिखाता हूँ अभी उस साइड कैसा क्या है। हट जाओ भाई, निकलिए निकलिए। हाँ जी, इधर देख सकते हैं इधर का भी सीन कुछ इस तरीके का है, पानी वगैरह है पूरा, और ये डैम हिल रहा है, मतलब ये सारे वाहन वगैरह जो निकल रहे हैं इनकी वजह से पूरा हिल रहा है। देख सकते हैं दूर दूर तक ये टावर्स वगैरह जो लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी बीचों बीच में लगे हुए हैं, और हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। आई होप कि वॉइस अच्छी आ रही हो, और पता नहीं कैसी आ रही है। एंड उधर देख सकते हैं झोपड़ी ओपड़ी डाल रखी है, जो नाविक हैं यहाँ के नाव वगैरह चलाते हैं वो, तो इस तरीके का माहौल है। बाकी यहाँ पर पार्क वगैरह बना हुआ है वो भी बंद है पूरी तरीके से, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है वो, क्योंकि कोविड की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन फिर भी खैर कुछ इसी तरीके से है। देख सकते हैं पूरा हवा काफ़ी तेज चल रही है यहाँ पे। सुबह जब भी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है, और पार्क वगैरह सारे यहाँ पर जो हैं वो बंद हैं, तो जा नहीं सकते, तो जो भी दिखा पाए हैं वो आपको दिखा दिया, और अभी यहाँ से चलते हैं घर की ओर। So, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के फेमस मंदिर बालाजी मंदिर, क्योंकि यहाँ तक आए हैं 800 मीटर की दूरी पे था, तो वहाँ ना जाएं फिर क्या ही बात है। तो चलते हैं फटाफट से, देख सकते हैं यही कुछ है मंदिर हमारे सामने, एंड यहाँ पे बांस बल्ली लगा रखे हैं, इसका मतलब हमें यहीं कहीं साइड में खड़ी करनी पड़ेगी। खड़ी करते हैं यहीं कहीं कहीं पे। अरे रुक जाओ यार, पहले उतरने दो, प्रसाद ले लेंगे, ज़रूर ले लेंगे। खड़ी हो जा। अब तुम लोग इतने सारे लोग आ गए हो, बताओ किससे प्रसाद लें। नहीं रुक जाओ, हाँ वो हमको पता है, भीड़ लगाओगे तो नहीं लेंगे। रिकॉर्ड हो रहे तुम लोग, पता है हो रही रिकॉर्डिंग? हाँ हो रही है। कैमरे में आ रहे हो सब लोग? मास्क नहीं लगा पहली बात तो तुम लोग हैं, कोई लोग मास्क नहीं लगा, काहे नहीं मास्क लगाते हो? कोरोना का डर नहीं है तुमको? बहुत डर है तो मास्क कहाँ है तुम्हारा? घर पे भूल गए का क्या मतलब? इसलिए मास्क लिया जाता है, घर पे भूल जाओ।
अभी तुमको कुछ हो जाए तो मास्क लगाओ है। मंदिर खुला है तो फिर क्या करेंगे जाकर बताओ? शाम को 6 बजे आ जाएंगे। 6 बजे तो हम पता ही नहीं कहाँ होंगे। देख ले जी, मंदिर में आ चुका हूँ। यहाँ पे ये बंद है तो यहाँ पे लोग बता रहे कि शाम को 6 बजे खुलेगा एंड मेरे पास टाइम नहीं कि मैं 6 बजे तक यहाँ रुकूँ। तो फिर कभी आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। एंड यहाँ पे आप गेट पे देख सकते हैं, कुछ अलग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे लोग गेट पे ही बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। एंड पता है इन पे आत्मा वात्मा का साया वगैरह लोग बता रहे हैं। वैसे मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। खैर यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे सही हो जाता है। तो देख सकते हैं ये पूरे बाल बाल खुले हुए बैठी हुई है। तो ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है। यहाँ की हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे वगैरह प्रसाद लिए घूम रहे हैं। तो फिलहाल मंदिर तो बंद है लेकिन प्रसाद ले लेते हैं, घर पे लिए जाएंगे। तो टाइमिंग का मैं आपको बता दूँ, ये बच्चे यहीं पे मिलेंगे आपको। सुबह का टाइमिंग क्या है? सुबह का 6:30 से कितने बजे तक? 7 और शाम को 6 बजे से 7। अच्छा ठीक है। तो टाइमिंग वगैरह आप देख लीजिए अगर आते हैं तो बेनिफिट रहेगा। अभी मैं टाइम देख के नहीं आया हूँ तो देख सकते हैं गाय माता हमारे साथ साथ आ रही है प्रसाद के लिए। आइए ले चलते हैं इनको भी। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर भी जल्दी पहुँचना है एंड मंदिर ओपन नहीं मिला है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हमको। चलो फिर निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट। चलो फिर भाई, इधर से आए थे यार कि इधर से? चलो सीधे चलो देखते हैं इधर से भी रास्ता होगी। खत्म।